नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे महाभारत में कर्ण के बारे में कुछ एक बातें जो कि गलत फैलाई गई हैं वो बताऊंगा। तो नंबर 3 पे है कि गुरु द्रोण ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया था। वास्तव में कर्ण अन्य राजकुमारों यानी कौरवों और पांडवों के साथ ही गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में शिक्षा पाते थे, लेकिन कर्ण की मंशा कुछ और ही थी। उन्होंने एक दिन एकांत में उनसे जाकर बोला कि मैं अर्जुन से युद्ध करना चाहता हूँ और मैं अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे उत्तम शिक्षा प्रदान करें और मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दें। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य कर्ण की मंशा को पहले से ही भांप चुके, इसलिए उन्होंने उन्हें ब्रह्मास्त्र देने से मना कर दिया। और तब कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य को छोड़कर परशुराम जी को अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा ग्रहण की और उनसे ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्यास्त्र भी प्राप्त किए। महाभारत के कुंडल पर्व में भी कर्ण ने भगवान सूर्य को ये बोला कि आप मेरी चिंता न करें, मैंने गुरु द्रोणाचार्य और गुरु परशुराम जी से अस्त्रों की विद्या प्राप्त की हुई है, इसलिए मेरे पास महान दिव्यास्त्र और महान युद्ध की कला है। दूसरी भ्रांति है कि कर्ण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में मृत्यु से पहले जो है भगवान श्री कृष्ण को अपने सोने के दांतों का दान दिया था। नो डाउट कि कर्ण दान के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन ये बात कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान को दान दिया था ये नहीं है। मूल महाभारत में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। और वैसे भी जब अर्जुन और कर्ण की लड़ाई हो रही थी तो अर्जुन ने कर्ण को अंजुलिका अस्त्र से मारा था, जिससे उनका सिर जो है वो धर से अलग हो गया था। तो फिर रुकने का सवाल ही नहीं है जिस बीच में ये काम हो कि उन्होंने अपने सोने का दांत दान किया हो। और पहली भ्रांति है जो सबसे महत्वपूर्ण लगती है, कर्ण द्वारा जो है अर्जुन के रथ पे इस प्रकार तीर चलाना, इतने वेग से तीर चलाना कि अर्जुन का रथ पीछे की ओर चला जाए। मगर मूल महाभारत में, आप गीता प्रेस का भी उठा के देख सकते हैं, मूल महाभारत में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि कर्ण ने अर्जुन के रथ पे तीर मारा हो और उनका रथ पीछे चला गया हो। और वैसे भी ये सोचने की बात है कि जिनके रथ पे स्वयं नारायण भी बैठे हुए हैं, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं लगता है और जो समस्त लोगों का भार लेके बैठे हुए हैं उस पे, उनकी मर्जी के बिना कर्ण जो है उस रथ को पीछे ढकेल दे। और कौन कौन सी भ्रांतियां आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उनके बारे में सत्य जानने की कोशिश करूंगा और पता चलने पे फिर आपको भी उसको बताऊंगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।